एनर्जी एनर्जी होती है, वो कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती है। हमारे पास ही आके वो पॉजिटिव और नेगेटिव में चेंज होती है। अगर आपके घर में कलेश है, अगर आपके घर में कुछ ठीक नहीं है, अगर आपके घर में हेल्थ ठीक नहीं रहती है, तो आप देखें कि आपके घर में खाना कौन कुक कर रहा है। अगर आपके घर में कोई मेड या कुक खाना बना रहा है, तो आप उससे जाके पूछिए कि उसको कोई दुख तकलीफ तो नहीं है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। जब खाना बनाते हैं तो खाने के थ्रू एनर्जीज आपके अंदर ट्रांसफर होती हैं, जो आपके माइंड एंड बॉडी को इफेक्ट करते हैं। स्पेशली जब जो वाटर है या फिर जो गेहूं है, जो ग्रेन्स हैं, जितने भी गॉड मेड सैटविक फूड्स हैं, सबकी याददाश्त होती है। मान लो अगर कोई आटा गूंद रहा है, या फिर कोई जैसे कोई आटा गूंद रहा है अगर खाना बना रहा है, अगर उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज चल रही हैं, वो घर से थका आया है, या फिर उसकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या फिर वो गुस्से से खाना बना रहा है, तो जब आप वो खाना खाएंगे, वैसा खाना खाके आपकी मेंटल सिचुएशन कभी ठीक रह ही नहीं सकती है। आधे से ज्यादा रीजन आजकल जो स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है वो यही है। एक एग्जांपल देती हूँ आपको। अमृतसर में श्री दरबार साहिब में जो सरोवर है, वहां पे जो पानी है उसको अमृत बोला जाता है। क्यों है वो अमृत? क्योंकि 24 आवर्स उसके आसपास जो है वो गुरबानी शब्द 24 आवर्स भगवान का नाम, निरंकार का नाम लिया जाता है, तो वो पानी में समाता है वैसी एनर्जी, तो वो पानी पानी नहीं रहता, अमृत बन जाता है। तो वैसे ही अगर आप अपना खाना जब भी कुक करें, जब भी आप अपना खाना बनाते हैं, तो अगर आप पॉजिटिविटी से बनाएं तो आपकी हेल्थ और सब कुछ बहुत ठीक रह सकता है। स्पेशली आटा गूंदते टाइम आपकी जो आप पाठ कर सकते हैं या सिमरन कर सकते हैं या भगवान का नाम ले सकते हैं, या एक अच्छी एनर्जी के साथ बना सकते हैं कि आप अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए और अपनी हेल्थ के लिए बना रहे हैं। कई बार मदर्स क्या करती हैं कि बच्चे के लिए जब कुछ बनाना होता है ना, तो पहले उनके माइंड में चल रहा होता है कि पता नहीं खाएगा कि नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे तंग करते हैं खाने में, खाना नहीं खाते हैं बच्चे, या उनका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है बच्चों का, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो वो तभी जब बनाते हैं ना खाना, तो उनके माइंड में ये चल रहा होता है कि पता नहीं ये उसको पचेगा कि नहीं पचेगा, पता नहीं ये वो खाएगा कि नहीं खाएगा। तो वो अगर आप नेगेटिव थॉट्स पहले ही अपने माइंड में लेके आएंगे ना, तो बच्चे ने अगर खाना होगा तो वो फिर भी नहीं खाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जो एनर्जीज हैं उसको पॉजिटिव रखें। आपके जो फूड्स हैं वो सात्विक होने चाहिए, गॉड मेड होने चाहिए, एंड पॉजिटिव एनर्जी से फिल होने चाहिए। अब जो बाहर का खाना होता है, बाहर के खाने में हम बोलते हैं कि ठीक है, रेस्टोरेंट्स का या बाहर कहीं खाने जाते हैं, वहां पे हम प्रोडक्ट्स के बारे में तो कंसिडर करते ही करते हैं कि वो कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं, कौन से वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं, कहीं बासी वेजिटेबल्स तो नहीं है, फ्रेश है या क्या है, वी आर सो वरीड। फिर भी हम खाते चाहे हैं, बट हम वरी भी करते हैं कि ऐसा तो नहीं है। इस चीज के बारे में तो वरी करना ही है, साथ में इस चीज के बारे में भी वरी करना है कि वो किस एनर्जी से बनाया जाता है। रेस्टोरेंट में 7-8 शेफ्स हैं, वो इकट्ठे खाना बना रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, बहस कर रहे हैं, या फिर फटाफट तेजी में कर रहे हैं, या हर एक के माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं, कोई अपने घर से क्या टेंशन लेके आया है, किसी के घर में कोई बीमार होगा, किसी का किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा, तो वो सारी एनर्जीज वैसे लेके काम पे आया है एंड वो खाना कुक कर रहा है। तो ये भी एक बहुत कंसर्न होता है अगर आप बाहर खाते हो तो। इसीलिए बाहर का खाना सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए भी नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप पहले तो आप कोशिश करें कि आप खुद खाना कुक करें, स्पेशली अपनी फैमिली के लिए।
बाय चांस अगर आप वर्किंग है, अगर आपकी मजबूरी है कि अगर आप खाना नहीं कुक कर सकते हैं, तो आपका जो कुक है, मेड है या वर्कर्स है, उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, फैमिली की तरह होना चाहिए। आपको उनके दुख तकलीफें पता होनी चाहिए, आप टाइम टू टाइम उसको सॉल्व भी करते होना चाहिए। जो आपके लिए खाना बना रहा है उसके मन में आपके लिए ये फीलिंग हो कि जो हमारी मैडम है या सर है वो बहुत अच्छे हैं, एंड अब एक अच्छी फीलिंग से आपके लिए खाना बनाए, ना कि वो मन में गालियां निकाले कि ये क्या है, सैलरी भी टाइम पे नहीं देते हैं और खाने को भी मुझे बासा खाना देते हैं, ताजा खाना नहीं देते हैं, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं कि उसके मन में कुछ आपके लिए और नेगेटिव थॉट्स चल रहे हो एंड वो सिर्फ सामने से आप प्रिटेंड कर रहा है कि हाँ ही इज मेकिंग वेरी टेस्टी फूड फॉर यू, तो दैट विल नॉट हेल्प यू सीरियसली। या फिर आप एक और चीज कर सकते हैं, अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप खाने को री एनर्जाइज कर सकते हैं। मान लो आपके लिए खाना बनाया गया है, आपको नहीं पता, कई बार हमारी मजबूरी होती है कि हमें, कई बार हम हॉस्पिटल्स में हैं तो हमें हॉस्पिटल का ही खाना खाना पड़ता है, कहीं बाहर होते हैं तो खाना खाना पड़ता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको री एनर्जाइज कर सकते हैं। आप खाना अपने सामने रखिए या हाथ में लें, 5 to 10 minutes आप कोई भी जाप कर सकते हैं भगवान का, ठीक है, आप पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं, एंड आप कोशिश करें कि वो जो एनर्जी, जब आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके वो चीज करोगे तो वो जो एनर्जी है वो फूड में जाएगी एंड आपका फूड की जो पहले वाली एनर्जी है वो खत्म होके वो री एनर्जाइज हो जाएगा, उसमें नई पॉजिटिव एनर्जी इन्फ्यूज हो जाएगी एंड देन यू कैन टेक योर मील। थैंक यू।